गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस खंडक बाजारा पब्लिक स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी ई की मात्रा, है ना। आपने इससे पहले वाले अपन ने छोटी ई की मात्रा पढ़ी थी, तो छोटी ई की मात्रा जब पढ़ते हैं तो साउंड अपना कम वॉइस में निकलता और छोटी ई की मात्रा हमेशा लेफ्ट साइड से रहती और राइट हैंड बड़ी ई की मात्रा हमेशा राइट हैंड से रहती है। यानी कि ये देखिए ई, है ना, ये जो ईख ईख, यहाँ पे अपने डायरेक्ट बड़ी की मात्रा का यूज नहीं किया, ई का यूज किया है ना, ईख। यहाँ पे ई जब इसको हम किसी और वर्ड के साथ जब मात्रा के रूप में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, क के अंदर अपने बड़ी की मात्रा का यूज किया तो क्या पढ़ेंगे इसको, कील, मछली, बकरी, ऐसे ही बाकी वर्ड में अपनी को इस मात्रा को पढ़ना है, फिर हम शब्द के साथ पढ़ेंगे। की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, डी, ती, थी, दी, दी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, शी, सी और ही। यानी हमने सब वर्ण के साथ के मात्रा को तो पढ़ लिया, अब जब हम शब्द के साथ इसका यूज करेंगे, दो शब्दों के साथ तो कैसे पढ़ेंगे, दो शब्द में प और ग में बड़ी की मात्रा, तो परी, घड़ी, नदी, खीर, चाबी, गगरी, लड़की, तितली, रबड़ी, मीनार, दीवार, पीपल, शीतल, मदारी, सवारी, ककड़ी, लकड़ी, खिड़की, छिपकली, गिल, हरी। यानी कि जब बड़ी की मात्रा होती है तो आपका साउंड तेज हो जाता है, जब भी हम बड़ी की मात्रा लगा पढ़ेंगे तो आपका साउंड तेज हो जाएगा और छोटी की जब मात्रा पढ़ते हैं तो वॉइस धीमी रहती है ना। जैसे दो वर्ड में अपन डिफरेंस पता करेंगे, खिल, है इसको कैसे पढ़ना, खिल, और यहाँ पे इसको पढ़ना खील, है ना, ये खिल और ये खील। दिन, दीन, पिला, पीला, पिया, पिया, मील, मील, बिन, बिन, दिया, दिया, पिता और पीता। यानी कि ये पिता यानी पापा और ये पिता यानी पानी पीना, है ना, ये दिया है ना किसी चीज को देने के लिए, और ये दिया यानी जो दीपक हम लगाते हैं, बिन किसी चीज के बिना, ये बिन जो बजाई जाती है, मिल अचानक मिलना, और ये मील मतलब कोई चीज मीलों चलने के बाद मिलती है ना। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, यानी कि अपनी वॉइस धीमी और स्ट्रॉन्ग तेज हो जाती है। अब ये चित्र घड़ी, गगरी, तितली, छतरी, ककड़ी, गिलहरी, यानी इन शब्दों का उच्चारण करिए और मात्राओं को पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। तो मीना की नाव, ये वाला पार्ट आप लोगों को सबको घर पे पढ़ना है, और बड़ी मात्रा का साउंड कैसे आता है वो आपको रिवाइज करना है, यानी कि जब भी हम बड़ी बिंदी की मात्रा पढ़ेंगे तो अपनी आवाज़ ऊंची हो जाएगी और जब छोटी की मात्रा पढ़ते हैं तो साउंड कम होता है। तो ये आज आप लोगों का होगा कि आप सभी को इस मात्रा को पढ़ना है और लाउडली ही पढ़ना है, पहले छोटी की मात्रा पढ़िए उसके बाद बड़ी की मात्रा, तो आपको दोनों में कैसे पढ़ते हैं और कैसे बड़ी और छोटी की मात्रा में डिफरेंस होता है वो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू बेटा।